तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सारे लोग। मेरा नाम मनीष है और भाई स्वागत है आप सबका चैनल पे दोबारा से। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 25,000 रुपीज़। और देखो यार, 25,000 का जो बजट है ना, सबसे ज़्यादा सस्ता बजट है। मतलब भाई इससे नीचे जो होता है कुछ भी नहीं आता है। अगर तुम लोग लैपटॉप लेने की सोच रहे हो और तुम जो होता भाई बहुत कम बजट के अंदर हो, तो भाई कोशिश करना कि कम से कम 25,000 रुपये तुम्हारी जेब में होने चाहिए। इस बजट के अंदर जो होता भाई तुम्हें एंट्री लेवल वाला लैपटॉप देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 लैपटॉप बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो होता भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। वीडियो को जो होता है बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के लैपटॉप टाइप कंटेंट के लिए। भाई जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो आप लोग। तो दोस्तों यहां पे स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर 1 लैपटॉप से। नंबर 1 लैपटॉप है भाई टेक्नो मेगाबुक T1। प्राइसिंग 24,000 रुपीज़ है, अमेजोन पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप बताऊंगा भाई सबके लिंक नीचे दे रखे हैं, अमेजोन एफिलिएट लिंक है। अगर तुम वहां से बाय करोगे तो भाई हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिलेगा, तो वहां पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब यहां पे भाई इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो यहां पे हम लोगों को भाई i3-111 5G4 देखने के लिए मिलता है। 2 कोर 4 थ्रेड का CPU है और ये CPU 11 जनरेशन का है। 4.1 GHz का टर्बो क्लॉक है। और L3 कैश की बात करें तो भाई 6 MB का L3 कैश है। अब भाई यहां पे ये जो 11 जनरेशन का CPU है ना बहुत बेकार है ना बहुत पावरफुल है। इतना है कि भाई तुम्हारे स्कूल का काम, कॉलेज का काम, ऑफिस का काम, फोटोशॉप होती है, छोटी मोटी लेवल की वीडियो एडिटिंग, वो सारा काम जो था भाई हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे तुम जोन सा भी काम करना चाहते हो भाई इसके ऊपर, वो सारा जो था भाई कर सकते हो। रैम की यहाँ पे बात करते हैं, 8 GB की रैम दे रखी है। और यहाँ पे भाई DDR4 रैम है, 4 to 6 MHz की स्पीड है। और भाई यहाँ पे आप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। अब देखो अगर यहाँ पे बजट 30,000 का होता ना तो भाई सब लैपटॉपों के अंदर रैम अपग्रेड हो जाती, पर यहाँ पे बजट 25,000 रुपये का, तो भाई इस बजट में रैम अपग्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बात करते हैं भाई यहाँ पे SSD की, 512 GB की M.2 SSD दे रखी है, PCIe 3 सपोर्टेड है। और डिस्प्ले की बात करते हुए 15.6 इंच की 1080p डिस्प्ले दे रखी है, 60Hz का रिफ्रेश रेट है। और यहाँ पे अगर हम कलर्स की बात करते हुए आपको 100% sRGB देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे डिस्प्ले IPS भी है। तो इस लैपटॉप के अंदर जो डिस्प्ले दे रखी है भाई वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल की है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ भाई, बाकी जितने भी लैपटॉप बताऊंगा ना भाई उन सब के अंदर इस तरह की डिस्प्ले नहीं है। इस लैपटॉप की डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पे कलर्स भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे IPS पैनल दे रखा है जिसकी वजह से जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं भाई वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे। और मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हें ना इस वाले लैपटॉप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि भाई जितने फीचर्स इस लैपटॉप के अंदर है ना बाकी किसी लैपटॉप में नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे विंडो की, तो भाई यहाँ पे विंडो 11 होम दे रखी है। बैटरी की बात करें तो भाई 70 Wh की बैटरी है। और इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बजट के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो भाई 70 Wh बहुत ज़्यादा होता है। अब भाई यहाँ पे जो बैटरी बैकअप आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई वो अराउंड 6 to 7 hours का होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे एडिशनल फीचर्स की, तो यहाँ पे हम लोगों को बैकलिट कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, नॉइज रिडक्शन मिलती है, और 180° का हिंज मिलता है। तो देखो यार बैकलिट कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर है, और मतलब दिखने में भी जो था भाई काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब जितनी भी लाइटें होती है भाई चमकती रहती है, मेरे पास भी है। और यहाँ पे भाई हम लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी सिक्योर फीचर है, आप लोग जो था भाई यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से भाई ये वाला लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, और तुम लोगों को इस लैपटॉप को ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों बारी आती है हमारे दूसरे लैपटॉप की। दूसरा लैपटॉप भाई उन लोगों के लिए जिनका बजट भाई 20,000 रुपये का है, मतलब 20,000-21,000 रुपये का बजट है, 25,000 तक भी नहीं जा सकते, तो भाई ये लैपटॉप आप लोगों के लिए। तो ये लैपटॉप आता है भाई लेनोवो की तरफ से, लेनोवो V15। और प्राइसिंग जो होता है भाई 20,500 रुपये अमेजोन पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं भाई सीधा इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे हम लोगों को भाई सेलेरॉन देखने के लिए मिलता है, N4500, 2 कोर 2 थ्रेड है, 2.8 GHz का टर्बो क्लॉक है। अब देखो यहाँ पे जो CPU है ना वो पहले वाला जो लैपटॉप था ना उसके CPU से थोड़ा सा वीक CPU है। यहाँ पे हमको 2 कोर 2 थ्रेड दे रखे हैं, तो भाई यहाँ पे आप लोग फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, बाकी जितना अपना स्कूल का काम है, ऑफिस का काम है, वो सारा कर सकते हो। बस ये है कि भाई थोड़ा हैवी लेवल का काम मत करना, मतलब फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग करोगे तो भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा स्लटर और लैग देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे रैम की, तो यहाँ पे हम लोग को 8 GB की रैम दे रखी है। और भाई यहाँ पे आप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। और SSD की बात करते भाई 256 GB की M.2 SSD है। और यहाँ पे भाई तुम लोग SSD को अपग्रेड कर सकते हो 512 GB तक। और डिस्प्ले की बात करते भाई 1080p फुल HD डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। और यहाँ पे हमको TN पैनल देखने के लिए मिलता है। और देखो यार जैसा मैंने पहले बोला था कि सिर्फ पहला वाला लैपटॉप है जिसमें IPS डिस्प्ले है, अब जितने भी लैपटॉप बताऊंगा भाई सबके अंदर एक TN पैनल है। TN पैनल की खास बात ये होती है कि भाई सामने से देखोगे ना तो कलर्स जो होता है काफ़ी ठीक दिखेंगे, पर अगर तुम इसको लेफ्ट और राइट से देखोगे ना तो भाई जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं और जो कलर रिप्रोडक्शन क्वालिटी होती है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना अगर तुम इन लैपटॉप्स को बाय करोगे, मतलब जितने भी लैपटॉप बताऊंगा अगर इनको बाय करोगे ना तो भाई इनके अंदर कलर्स होता है भाई थोड़े बहुत खराब होंगे। बात करते हैं यहाँ पे विंडो की, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को विंडो 11 होम देखने के लिए मिलती है।
बैटरी की बात करते हैं भाई, यहाँ पे 35 वाट आवर की बैटरी है जो आपको अराउंड भाई 4 घंटे का बैटरी बैकअप देगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बारी आती है हमारे तीसरे लैपटॉप की। तीसरा लैपटॉप भी लेनोवो की तरफ से आता है, लेनोवो V15G4। प्राइसिंग भाई यहाँ पे 24,950 रुपये अमेजोन पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के अंदर जो था भाई हमको रेडियन ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई अगर तुम लोग थोड़ी बहुत गेमिंग वेमिंग करना चाहते हो, ठीक है, मतलब GTA 5 को चलाना चाहते हो, ज़्यादा हैवी गेम नहीं बोलूँगा, और यहाँ पे अगर तुम लोग PUBG मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर चलाना चाहते हो, तो यहाँ पे भाई तुम लोग लो सेटिंग्स के अंदर चला सकते हो। बात करते हैं भाई यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे हम लोगों को राइजन 7000 देखने के मिलता है, 7120U, 2 कोर 2 थ्रेड है, 2 MB का L3 कैश है और 3.5 GHz का टर्बो क्लॉक है। अब इस ये वाला जो CPU है ना, इसकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल पहले वाला जो CPU था ना हमारा i3 11th generation बिल्कुल उसकी तरह है। बस फर्क इतना है कि भाई यहाँ पे आपको ग्राफिक्स थोड़े बेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो भाई यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत अपना ग्राफिक वाला काम कर सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पे रैम की, तो यहाँ पे भाई 8 GB की रैम हमको देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे LPDDR5 रैम है। और भाई अगेन यहाँ पे भी आप लोग रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। 512 GB की M.2 SSD है, 15.6 inch की 1080p डिस्प्ले है और यहाँ पे भी हमको TN पैनल देखने के लिए मिलता है। विंडो 11 होम दे रखी है, 4 घंटे का बैटरी बैकअप है। अब यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है भाई LPDDR5 रैम। अब देखो DDR5 रैम जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा बेटर है अगर आप इसको DDR3 और DDR4 से कंपेयर करोगे, और मैं भी भाई यूज़ करूँ DDR5 रैम। और अगर तुम लोग यहाँ पे भाई काफ़ी सारे भाई गूगल क्रोम के अंदर टैब्स खोलने वाले हो, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ भाई DDR5 रैम आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब भाई ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो भाई जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बारी आती है भाई हमारे लास्ट और चौथे लैपटॉप की, और ये लैपटॉप आता है भाई लेनोवो की तरफ से, लेनोवो V15। प्राइसिंग 26,380 रुपये अमेजोन पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये लैपटॉप भाई मेरी पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशन है, अगर मैं होता तो भाई मैं इसी को बाय करता, क्योंकि भाई यहाँ पे जो CPU परफॉर्मेंस है भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब इस लैपटॉप के अंदर जो CPU लगा रखा है भाई वो सबसे ज़्यादा पावरफुल CPU है। बात करते हैं भाई यहाँ पे एक एक करके इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे हम लोगों को राइजन 7320U देखने के लिए मिलता है, 4 कोर 1 थ्रेड का CPU है, 4 MB का L3 कैश है और यहाँ पे भाई रेडियन 610M के ग्राफिक्स हैं। अब यहाँ पे भाई जो थ्रेड है वो 8 दे रखे हैं और यहाँ पे 4 फिजिकल कोर हैं। तो अगर तुम लोग भाई यहाँ पे फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग और भाई थोड़े हाई लेवल का काम करने की सोच रहे हो, मतलब गेमिंग भी करना चाहते हो, तो भाई इस वाले लैपटॉप के ऊपर कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे CPU साइड जो था इसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बाकी जितने भी लैपटॉप है भाई उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 कोर 4 थ्रेड है, पर इसके अंदर 4 कोर 8 थ्रेड है, जिसकी वजह से जो आपको CPU परफॉर्मेंस मिलेगी भाई वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं रैम की, तो भाई यहाँ पे भी 8 GB रैम है LPDDR5, 5500 MHz की स्पीड है, 512 GB की M.2 SSD है। डिस्प्ले की बात करें तो भाई 1080p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। विंडो की बात करें तो भाई यहाँ पे विंडो 11 होम दे रखी है। बैटरी की बात करें तो भाई 38 वाट आवर की बैटरी है जो आपको 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप देगी। और यहाँ पे भाई हम लोगों को रैपिड चार्ज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और एडिशनल फीचर्स की बात करें तो भाई 180 डिग्री का हिंज भी दे रखा है। अब देखो भाई यहाँ पे रैपिड चार्ज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो आजकल के जो नए फ़ोन आते हैं ना उनके अंदर बोला जाता है ना कि भाई फास्ट चार्जिंग है, ओप्पो वीवो ये वाले जो फ़ोन होते हैं भाई उसी तरह से जो होता है भाई जो हमारे लैपटॉप होते हैं उनके अंदर रैपिड चार्ज बोलते हैं फास्ट चार्ज को। तो भाई यहाँ पे आपका लैपटॉप काफ़ी मतलब जल्दी जो था चार्ज हो जाएगा। और मैं बोलूँगा कि भाई अगर तुम्हें बहुत बढ़िया लेवल का CPU परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो भाई तुम लोग चौथे लैपटॉप के साथ जाना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप है। तो दोस्तों यही थे हमारे बेस्ट लैपटॉप संडे 25,000 रुपीज़। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको पसंद है ये वीडियो, आपको पता है क्या करना, आपको वीडियो को जो लाइक करना है, सभी लैपटॉप के लिंक जो था मैं नीचे दे रखे हैं वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। और मेरे चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करना भाई इस तरह के लैपटॉप टाइप कंटेंट के लिए। तो मिलता हूं कल की और नई वीडियो में।